दोस्तों यहाँ पर फाइटर मूवी की इतनी बढ़िया हाइप देखने के बाद जो संजय दत्त का काफ़ी शानदार रिएक्शन सामने आता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पर संजय दत्त बोलते हुए दिखाई दिए हैं कि ऋतिक रोशन ने जो मूवी यहाँ पर सेलेक्ट की है फाइटर, उसकी जो हाइप है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी जब यहाँ पर ट्रेलर आता हुआ देखने को मिलेगा फाइटर मूवी का। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइटर मूवी की काफ़ी बड़ी हाइप दिखाई दे रही है और डे बाय डे जो यहाँ पर ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है फाइटर मूवी को देखने के लिए। यहाँ पर टीजर की जो यहाँ पर हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और यहाँ पर अब लग रहा है कि भाई साहब ट्रेलर के बाद जो यहाँ पर हाइप होने वाले और ज़्यादा ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। जो यहाँ पर तिरंगे वाला सीन था ऋतिक रोशन को यहाँ पर तिरंगा लेकर बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो कि एक्साइटेड करता हुआ देखने को मिला है। उसी के साथ यहाँ पर पॉलिटिशियन पार्टी से लेकर हर कोई जो कि यहाँ पर इस मूवी को पसंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर ऋतिक रोशन की जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है और इसी के साथ यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद ने जिस तरीके से इस मूवी के अंदर जो यहाँ पर हमको फाइटिंग सीन्स जो यहाँ पर हमको हेलीकॉप्टर और जेट्स से जो यहाँ पर स्टंट करते हुए दिखाई दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड करते हुए दिखाई दिए। तो उसी के साथ यहाँ पर जो है वो भाई साहब इस मूवी के अंदर जो हमको स्टंट देखने को मिलने वाले वैसे जो कि हमको आज तक किसी बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवी के अंदर नहीं देखने को मिले होंगे वैसी ही चीज़ें जो कि हमको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें ये मूवी कितने बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ भी दिखाई देगी। ऊपर से यहाँ पर ऋतिक रोशन की जो फैन फॉलोइंग है वो आपको सबको पता है कितनी यहाँ पर जो कि एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए। मैं खुद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब देखते हैं क्या सीन होते हैं यहाँ पर, कैसी जो कि यहाँ पर परफॉर्मेंस करती हुई देखने को मिलती है ये फाइटर मूवी। बाकी इस मूवी के अंदर जो कि हमको जंग के माहौलियात भी देखने को मिलने वाले और देशभक्ति का जो है काफ़ी बड़ा मैसेज जो कि इस मूवी के साथ हमको जो कि मिलने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। अब देखते हैं क्या सीन होते हैं, ट्रेलर कैसा देखने को मिलता है और नए जो मटेरियल्स हैं वो कैसे आते हैं, सब कुछ देखना बाकी है। वैसे छोटी सी वीडियो थी यहाँ पर फाइटर के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है और यहां पर फाइटर डंकी सलाड या फिर आने वाली किसी बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री की मूवी के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहां पर हर एक जो अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्णा राधे राधे।